जय हिंद। बिहार फिजिकल रनिंग अकेडमी से मैं अभय सौरभ नीरसर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि 21,391 पोस्ट के लिए आप तमाम अभ्यर्थियों का जो इंतजार था इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, क्योंकि आप बहुत लंबा समय से इसका इंतजार कर रहे थे। जब से अक्टूबर में पेपर कैंसिल हुआ था उस समय से इसका इंतजार में आप लगे थे, क्योंकि 18 लाख अभ्यर्थी कोई कम नहीं होते हैं। आप 18 लाख अभ्यर्थी 21,391 पोस्ट के लिए पूरा जी तोर से मेहनत की है, और उस मेहनत के क्रम में अब ये है कि आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम कैसे दे और उसके लिए क्या क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि ये सरकार द्वारा कुछ ही दिन पहले निकला है। तीन महीना में जितने भी निर्माणाधीन प्रक्रिया में लगा हुआ है वो 3 महीना में क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं जो अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम वो आपको जो अक्टूबर नहीं जैसे 7 अगस्त 11 अगस्त 18 21 25 28 31 ये पूरा महीना जो अगस्त का है उसमें एक एक पाली में आपका एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का। ये ऐसा नहीं कि दो दो पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 समय दिया गया है, 8 दिन है, 8 दिन में आपको एक एक पाली में एग्ज़ाम होगा। लमसम 17 या 18 लाख अभ्यर्थी हैं तो आप समझ सकते हैं कि 8 दूना 16 यानी कि 1.25 लाख के आसपास 2-2 लाख के आसपास आपको एग्ज़ाम लेगा। तो इसलिए अब पहले का जो प्रक्रिया था कि आप इतना सुबह और सेकंड दोनों पाली में हो रहा, अब ये मेन सरकार का मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो कैंसिल होने के क्रम में इतना डिले हुआ है तो क्यों डिले हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है बार बार एग्ज़ाम। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बढ़िया से इसको तैयारी किए हुए हैं तो आपसे उम्मीद यही लगाया जा सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो इधर उधर ताक झाँक के मौका नहीं मिलेगा, और पूरी अपने निष्पक्षता से आप अपने रणनीति की तरफ अभिन से जो समय है उस समय में आप रिविज़न करते रहिए और प्रत्येक दिन एक सेट लगाते रहिए, और कंटिन्यू सबसे बड़ी बात यह है कि आप रनिंग करते रहिए। रनिंग आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मेरिट रनिंग पे ही बनेगा, रनिंग हो हाई जंप हो और गोला हो इन्हीं तीनों पर आपको मेरिट बनेगा। इसलिए आप पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास 100% जता लीजिए और 100% ले लीजिए कि आने वाला जो समय है उस समय में आपके वर्दी चढ़े, आपके मान सम्मान बढ़े, और आने वाला समय में आप जो तैयारी किए हैं उस तैयारी का परिणाम जो आ रहा है उस बेहतर हो। यही हम आशीर्वाद देंगे, यही दुआ करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इतना दिन से इंतजार कर रहे थे 18 लाख अभ्यर्थी उन सबके लिए बेहतर मौका है, इस मौका के भुनाना नहीं है और 100% अपने आप को उस लेवल पर ले चलना है जिससे कि आपको वर्दी पहनना है। इसलिए आप तैयारी में लग जाइए, पूरे जोर शोर से लगिए, दौड़ हो तो दौड़ में एकदम दौड़ करते रहिए, नहीं कि हम दौड़ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, दौड़ करते रहिए। उसके साथ साथ आप देखिए जी जान लगाए हैं, मेहनत कर रहे हैं तो 6 महीने में आप कुछ हो नहीं जाएगा। आप 6 इतना दिन जब मेहनत किए हैं तो आने वाला सब 6 महीने के अंदर ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। इसलिए आप अपना जो आपको दिनचर्या में है, जो रनिंग है, जो हाई जंप है, गोला है और पढ़ाई है, पढ़ाई के क्रम सब कुछ एकदम बरकरार रहना है। जैसे हम बता दें कि फिर से आपको 7 को 11 को 18 को 21 के 25 के 28 को 31 को इन चरणों में आपका एग्ज़ाम होने वाला, एकदम 100% अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। बिल्कुल एकदम सटीक तैयारी रखिए, और बिहार फिजिकल रनिंग अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जल्द से जल्द 21 तारीख को हमारा इसे CGET का बैच शुरू हो रहा है, उसमें तमाम अभ्यर्थी जुड़े। जय हिंद।